स्वागत है आप सबका अपने चैनल यूपीएससी लाइफ में। और जैसा मैंने आप लोगों को बताया था कि पेपर वन की जो है यूनिट वन कंप्लीट हो चुकी है, आज के वीडियो में हम लोग जो है आंसर राइटिंग से रिलेटेड उन सभी प्रश्नों को डिस्कस करेंगे जो प्रीवियस ईयर में पूछे जा चुके हैं। अब आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उन सभी प्रश्नों के उत्तर आप लोग लिखें और जहां पर दिक्कत आती है वहां पर पूछिए और आंसर उसे चेक कराइए। जहां पर दिक्कत होगी हम लोग लाइव सेशन में डिस्कस भी करेंगे। तो टोटल जो भी प्रश्न है वो आप लोग अपनी कॉपी में लिख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ताकि सभी पर आप लोग जो है आंसर राइटिंग लिख सके। मैंने पूरी मेहनत के साथ जो है उन सारे प्रश्नों को लिए हैं जो यूनिट वन में अभी तक यूपीएससी के द्वारा पूछे गए हैं। तो पहला प्रश्न है कि समाज शास्त्र के उदय की यूरोप के आधुनिकीकरण के साथ किस प्रकार से सहलग्नता है। सहलग्नता का मतलब सहसंबंध से है। जिसको जो भी डाउट होगा किसी भी चीज में आप लोग पूछ लीजिएगा कमेंट सेक्शन में, ताकि आप लोगों को कोई भी दिक्कत ना हो आंसर राइटिंग में। अगर आपने इन सभी प्रश्नों पर आंसर राइटिंग कर ली तो इसका मतलब समझ जाइए कि यूनिट वन जो है आपकी पूरी तरह से कंप्लीट हो गई है। दूसरा प्रश्न, समाज शास्त्र के उद्भव के बौद्धिक स्रोत क्या है। ये सभी प्रश्न जो हैं 150 शब्दों में लिखने हैं। ये 150 शब्दों में सभी प्रश्नों को लिखने ये यूपीएससी ने पूछा है, ठीक है। मैं अपनी तरफ से वर्ड लिमिट नहीं बता रहा हूं, आप लोग ये बात याद रखिएगा। स्पष्ट कीजिए कि समाज शास्त्र किस प्रकार से तर्क बुद्धिवाद वह वैज्ञानिक मिजाज पर आधारित एक सुस्पष्ट विषय के रूप में उभर कर आया है। मैं अभी आपको बता भी दूंगा कि कहां क्या चीजें पूछी गई हैं और आप लोगों को मैंने समझाया भी है। चौथा प्रश्न, यूरोप में औद्योगिक समाज के आविर्भाव यानी कि उत्पत्ति, आविर्भाव ने किस प्रकार पारिवारिक जीवन को परिवर्तित कर दिया। ये चार प्रश्न हैं। अभी इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं इसको रफ करूंगा तो फिर आप लोग जो है अगले प्रश्नों को नोट कर लीजिएगा। अभी आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इन चार प्रश्नों का। अभी मैं डिस्कस कर देता हूं इन प्रश्नों को। यहां पे प्रश्न पूछा गया है कि समाज शास्त्र के उदय की यूरोप के आधुनिकीकरण यानी कि यूरोप के मॉडर्नाइजेशन में किस प्रकार से सहसंबंध है, सहलग्नता है, किस प्रकार से अंतर संबंध रखता है समाज शास्त्र का उदय यूरोप के आधुनिकीकरण में। देखिए, यूरोप का आधुनिकीकरण हुआ तभी जो है समाज शास्त्र के उदय की बात हुई। समाज शास्त्र के उदय से क्या हुआ, समाज में जो भी घटनाएं घटित हो रही थी उनका अध्ययन प्रारंभ किया गया और फिर उसके बाद जो है समय के साथ जो है आधुनिकीकरण भी हुआ। मैंने आप लोगों को बताया है तो आप लोग इसे लिखने की कोशिश करिएगा, नहीं समझ में आएगा तो इसे हम लोग लाइव सेशन में डिस्कस भी करेंगे। यहां पर पूछा है कि समाज शास्त्र के उद्भव के बौद्धिक स्रोत क्या है। आप लोगों को यह बताना है कि वैज्ञानिक क्रांति में जो मैंने बताया था और वाणिज्यिक क्रांति में मैंने बताया, फिर मैंने फ्रांसीसी क्रांति में बताया था,
फ्रांसीसी क्रांति में स्वतंत्रता, समानता ये सभी चीजें थी, और औद्योगिक समाज में क्या था, आय की निर्भरता थी, आय के स्रोत को बढ़ाना था, तो और जो है उन सारी चीजों पर हमने आपको बताया था। तो ये सभी बौद्धिक स्रोत मैंने आपको बताए थे, अब उसको आप लोगों को इस प्रश्न में लिखना है। अगला प्रश्न है कि स्पष्ट कीजिए कि समाज शास्त्र किस प्रकार से लॉजिकल और वैज्ञानिक मिजाज पर आधारित है। ये चीजें मैंने बताई थी कहां पर, जब विषय क्षेत्र में पढ़ा रहा था, तो इस पे आप लोग आराम से समझिए क्या पूछा है, क्या लिखना है। ठीक है, ये मैं आपके हाथों में छोड़ता हूं। यूरोप में औद्योगिक समाज के आविर्भाव ने किस प्रकार से पारिवारिक जीवन को परिवर्तित किया। मैंने बताया कि जब औद्योगिकरण आया तो किस तरीके से जो परिवर्तन हो रहा था गांव से शहरों के बीच में, विस्थापन हो रहा था, उस विस्थापन के द्वारा लोगों के परिवार में क्या परिवर्तन हुआ, कहीं कहीं क्या हुआ, लोग अकेले चले गए कारखानों में काम करने के लिए, कुछ लोग जो है समय के साथ परिवार को भी ले आए, और उन परिवार में क्या हुआ, आय को बढ़ाने के लिए जो है परिवार नियोजन पे ध्यान नहीं दिया गया, यानी कि बच्चों की जो संख्या है, यानी कि जनसंख्या वृद्धि जो है वो बहुत ज्यादा हुई। क्यों? क्योंकि जितने ज्यादा बच्चे होंगे उतनी ज्यादा आय होगी, क्योंकि ये सभी तो कारखाने में काम करेंगे। तो इन्हीं सब चीजों को आपको बताना है कि किस प्रकार से पारिवारिक जीवन में परिवर्तन हुआ औद्योगिक, जो औद्योगिक क्रांति आई थी उसके माध्यम से। इन प्रश्नों को आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ताकि जो है आप लोग सभी का आंसर लिखें। अगर आपने इन सभी प्रश्नों पर आंसर राइटिंग कर ली तो आपकी यूनिट वन जो है पूरी तरह से कंप्लीट है, ये मान के चलिए। अगर आप लोगों की आंसर राइटिंग नहीं हो पा रही तो समझ जाइए कि यूनिट वन जो है वह आपकी अधूरी है। अब फिर हम लोग जो है आते हैं अगले प्रश्न पे, जहां पे आपको टिप्पणी करनी है। पहली टिप्पणी करनी है समाज शास्त्र और सामान्य बोध, ठीक है। दूसरी टिप्पणी आपको करनी है समाज शास्त्र और इतिहास। यहां पे देखिए, यहां पे तुलना नहीं पूछा है, तो यहां पे आप समानता जो भी है वो भी लिख सकते हैं। ऐसा नहीं है कि समानता नहीं लिख सकते हैं, समानता भी आप लोग लिख सकते हैं। अगला है समाज शास्त्र और मनोविज्ञान। यहां पे जो है मनोविज्ञान के बारे में लिखना है। चौथा जो है समाज शास्त्र और अर्थशास्त्र। फिर अगली टिप्पणी है समाज शास्त्र और राजनीति विज्ञान, समाज शास्त्र और राजनीति विज्ञान। मैंने आप लोगों को पढ़ाया भी है, कोई ऐसा टॉपिक नहीं है जो मैंने आप लोगों को पढ़ाया ना हो, तो ये इस बात से आप लोगों को पता चल रहा होगा कि जो चीजें पढ़ाई जा रही हैं यूपीएससी के अनुसार ही पढ़ाई जा रही हैं, और जो लोग स्टेट पीसीएस का देंगे उनके लिए तो ये बहुत ज्यादा चीजें हो जाएंगी। तो आप लोग अपने जो भी स्टेट पीसीएस वाले वो लोग अपने सोशियोलॉजी के सिलेबस को एक बार देख लीजिएगा, ताकि जो है आप लोगों को कोई दिक्कत ना हो, क्योंकि यूपीएससी का सिलेबस हमेशा बड़ा रहता है स्टेट पीसीएस की तुलना में। अगला जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसे मैं डिस्कस भी कर दूंगा, औद्योगिक क्रांति के उप उत्पाद के रूप में समाजशास्त्र। ये सभी प्रश्न जो हैं, इसके अलावा कोई भी प्रश्न यूपीएससी में नहीं पूछे गए हैं और ना ही पूछे जाएंगे। मैं इसको डिस्कस कर लेता हूं कि औद्योगिक क्रांति के उप उत्पाद यानी कि सब प्रोडक्ट, कुछ इंग्लिश के वर्ड भी आप लोग याद रखेंगे तो चीजें समझने में आसान होगी। सब प्रोडक्ट के रूप में समाजशास्त्र उभर कर आया, यानी कि औद्योगिक क्रांति की में ऐसी घटनाएं घटित हुई जिनसे समाजशास्त्र की उत्पत्ति हुई। तो आपको ये बताना है कि औद्योगिक क्रांति की कौन कौन सी ऐसी घटनाएं हुई
जिन्होंने समाज को प्रभावित किया, समाज को प्रभावित किया, उन सभी घटनाओं को आपको देखना है, चाहे परिवार के रूप में, चाहे जनसंख्या के रूप में, चाहे आय के रूप में, उन सभी चीजों को आप लोग यहाँ पर लिख सकते हैं। और इन्हीं सब कारणों से जो है समाज शास्त्र एक सब प्रोडक्ट के रूप में उत्पन्न हुआ। ये चीजें आप लोग आखिरी में लिख सकते हैं प्रश्न के आंसर में, ठीक है। तो ये जो है ये बहुत आसान प्रश्न है, इसमें कंफ्यूज मत होइए कि उप उत्पाद की वजह से हम क्या लिखें। अगर कोई ऐसा प्रश्न आता है जो आपको अभी तक नहीं समझ में आया तो वो आप लोग उससे कमेंट सेक्शन में जरूर पूछ लीजिएगा। सभी लोग जो है इस पर आंसर राइटिंग स्टार्ट कर दीजिए और मुझे ग्रुप में भेज भी सकते हैं। आप लोग ग्रुप में जिसका जिसका जो भी आंसर होता जाए वो लिखता जाए, मैं समय के अनुसार सबके आंसर का मूल्यांकन करूंगा और बताऊंगा कि आप लोगों की क्या तैयारी है अपने ऑप्शनल के। देखिए मैं जो क्वेश्चंस दे रहा हूं मैं इसलिए दे रहा हूं ताकि जो है आप लोग यूनिट को कंप्लीट करें, ये नहीं कि सिर्फ जो है पढ़ते जा रहे हैं लेकिन कुछ सीख नहीं रहे। यहां पढ़ने के साथ आपको सीखना भी है, सीखने से ही जो है आप लोग यूपीएससी में सेलेक्ट होंगे, पढ़ने से कोई सेलेक्ट नहीं होता है। पढ़ने के बाद अगर आपने उससे कुछ सीखा नहीं तो समझ जाइए कि आपकी जो स्टडी है वह शून्य है। इसलिए आप लोग बात का ध्यान रखिए कि जो भी प्रश्न दिए गए हैं उन सबको ध्यान से पढ़िए, अगर फिर भी नहीं समझ में आता है तो अपने विवेक का प्रयोग करिए, उसके बाद भी नहीं समझ में आता है तो मुझसे पूछिए कि क्या दिक्कत आ रही है, ठीक है। लेकिन सभी लोग जो है आंसर राइटिंग करिए, आपकी यूनिट 1 कंप्लीट हो चुकी है। अगले वीडियो में जो है हम लोग यूनिट 2 स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है समाज शास्त्र एक विज्ञान के रूप में। इस यूनिट से भी एक प्रश्न जरूर आता है हर साल, तो एक प्रश्न के लिए हम लोग इसे पूरी ईमानदारी से पढ़ेंगे और आप लोग जो है इस यूनिट को जल्द से जल्द कंप्लीट कर लीजिए ताकि जो है हम लोग यूनिट 2 के ऊपर जो है अपनी क्लासेस को स्टार्ट कर सके। कोई भी जो है टाइम पर ही क्लास करें, ये ना सोचे कि जो है अगले दिन देखेंगे टाइम पे उसको स्किप कर दें तो ऐसा कुछ नहीं, नहीं तो फिर जो है आपके ऊपर लोड ज्यादा हो जाएगा और फिर आप लोग इसी ऑप्शन को कंटिन्यू नहीं कर पाएंगे। इसलिए जो डेली के लेक्चर्स हैं जो भी डाले जा रहे हैं आप लोग डेली का काम डेली कर लीजिए ताकि जो है आपकी समय पर तैयारी हो सके। समय पर आपके ऑप्शन को मैं कंप्लीट कर दूंगा, बाकी आपके हाथ में है कि आप जो है लेक्चर्स को कितने समय में देखते हैं और कितना सीखते हैं। सीखना बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है पढ़ने से ज्यादा, आप लोग जितना ज्यादा सीखेंगे उतनी ही अच्छी आपकी आंसर राइटिंग होगी। बस ये बात याद रख लीजिए कि लर्निंग प्रोसेस जो है आपको बेहतर करनी है अपनी, तभी जाकर जो है आपका सिलेक्शन हो पाएगा। तो मिलेंगे अगले वीडियो में यूनिट 2 के साथ। जय हिंद। सब्सक्राइब नाउ and press the bell icon. Never miss an update.